बुधवार को मंसूर में हुए गोलीकांड में हिंदुवादी नेता युवराज सिंह चौहान की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक मंसूर ने आज पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में चार आरोपियों के नाम का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दीपक तंवर, अंकित तंवर तथा नागेश गोस्वामी और फैजान, इसमें चार आरोपी है। और भी आरोपी हो सकते, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो तीन आरोपी मौके पर थे, उन पर अंकित तंवर, नागेश गोस्वामी और फैजान का बताया जा रहा है। एसपी ने आज कंट्रोल रूम मंसूर में प्रेस वार्ता लेकर पूरा विस्तार से इस मामले पर कहा और यह भी बताया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक मंसूर ने पूरे मामले में क्या कुछ कहा। कल मंसूर जिले में एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें युवराज सिंह जी जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी लगभग 11:30 के आसपास कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन व्यक्तियों द्वारा बाइक पर आ करके और फायर करके उनकी हत्या कर दी गई, जिसकी पुष्टि डॉक्टर द्वारा फिर की गई। इसमें जिले व बाहर की काफ़ी टीमों को एक साथ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगाया गया। जो प्रथम दृष्टया इसमें सामने खुलासे में आया है, वह जो आरोपीगण हैं उसमें मुख्य एक दीपक तंवर जी का नाम आ रहा है, साथ ही अंकित तंवर, फैजान उर्फ छोटू और नागेश लाला गोस्वामी, जो तीन बाइक पर आरोपी जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसमें अंकित तंवर, फैजान और नागेश घटना स्थल पर इस कृत्य को कार्रवाई का अंजाम दिया गया। यह प्रथम दृष्टया खुलासा कई सूत्रों से पुलिस को मिला है। साथ ही साथ इसमें संभावना बिल्कुल अभी भी जारी है कि इसमें अन्य भी अपराधी कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं। तक विवेचना के दौरान समझ में आया है और जो सभी साक्ष्यों को, चीज़ों को देख करके प्रतीत हुआ है, वह इनकी कहीं ना कहीं व्यवसायिक प्रतिद्वंदता को लेकर के माना जा सकता है, जिसमें एक केबल से जुड़े कहीं व्यवसाय को लेकर के और अन्य व्यवसायिक प्रतिद्वंदता भी नकारी नहीं जा सकती। साथ ही हो सकता है कि अन्य भी कोई ऐसा कारण हो सकते हैं, पर अभी प्रमुख रूप से जो प्रथम दृष्टया सामने आए हैं और जो अभी तक की जानकारी प्राप्त पुलिस को हुई है, उस अनुसार ये जानकारी भी मिली है। इसमें लगभग 30-35 लोगों को पुलिस ने लेकर के अपने टीमों के माध्यम से पूछताछ की गई है और अभी भी इसके प्रयास आगे जारी है। सर, मरने वाले और मारने वालों का क्राइम रिकॉर्ड क्या है? देखें, जो मरने वाले हैं उनपे दो अपराध अभी तक हमारे थाना क्षेत्र में मिले हैं, जिसमें एक 400 और एक अन्य अपराधी शामिल है। जो मारने वाले हैं उनमें जो अपराधी अभी तक चार नामजद हैं, उसमें दीपक तंवर और छोटू और फैजान के अपराध एक रिकॉर्ड सामने आए हैं। अन्य के भी और निकाले जा रहे हैं कि जिले या अन्य जिलों में कोई अपराध हो तो उनको भी निकाला जा रहा है। तो ये इनका जो अपराधी हैं उन पर भी अपराध पहले भी अपने मंदसौर जिले के थाना क्षेत्र में और इन मतलब उनके ऊपर दो अपराधी हैं। क्या क्या रहेगी जो आरोपी आपने क्या? देखें, अभी यही रहा कि एक तो हम षड्यंत्र मान सकते हैं, जिसमें जो पूरा घटनाक्रम बनाया गया है, और दूसरा जो स्पॉट पर जिनके द्वारा घटना घटित की गई है, वो तीन नाम आपको मैंने बताया कि जो बाइक से आए थे वो अभी तक थे। दूसरा मामला जो है संदीप तेल हत्याकांड जो हुआ था, उसमें जो मृतक है वो सुधाकर राम मराठा से जुड़े हुए हैं, क्या पुलिस उस एंगल पर जाँच करेगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो बंद हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ 24 से कम हुए इस पूरे घटनाक्रम को देखने में, और सभी वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है और जिले अन्य जिले सभी टीमें इसमें सतर्क कार्य कर रही हैं। तो जो भी ऐसे एंगल और मिलते रहेंगे वे हम सभी को गिरफ्तार हो गए। अभी इसमें पूछताछ के लिए लिया गया है और लगभग 30-35 लोगों को पुलिस ने अपने पूछताछ के लिए जो प्रमुख चारों आरोपी इनमें से कोई गिरफ्तार हुआ है? नहीं, अभी इनमें से। तो तीन तो बाइक पर थे, दीपक का क्या रोल है? दीपक का इसमें अभी तक जो रोल सामने आया है, तो जो व्यावसायिक प्रतिबंध था
उसको लेकर के अभी तक इंतजार नहीं किया। क्या इस एंगल में भी पुलिस जा रही है? लेकिन मैंने आपको यही बताया कि जो कि अभी सिर्फ एक दिन और इसमें प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी देखें यहाँ पर प्रयास पुलिस के मंजूर पुलिस करने का यही है कि जो भी अपराधी है उसके